Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel that is Graduation Study. सो so गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविल लाइबिलिटी लास्ट वीडियो में मैंने सिविल लाइबिलिटी बायफिकेशंस आपसे डिस्कस की थी नाउ हम सिविल लाइबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो इसका सिविल लाइबिलिटी की दो बाइफिकेशन है दैट इज़ लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस ओके सो फर्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस यहाँ पर नेग्लिजेंस का मतलब क्या है दैट एम्प्लाइज एक्टिंग केयरलेसली और फॉलोइंग टू परफॉर्म सॉरी फेलिंग टू परफॉर्म अ ड्यूटी ओके सो यहाँ पर नेग्लिजेंस का मतलब क्या है कि एक्टिंग केयरलेसली और फेलिंग टू परफॉर्म अ ड्यूटी वो क्या है यहाँ पर परफॉर्म ही नहीं कर पाता अपनी ड्यूटी को ढंग से अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहा और उसने केयरलेसली एक्ट कर दिया मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया और मिस्टेक उससे हो गई और उसने उसको या तो ऑमिशन हो गई उससे कोई ट्रांजेक्शन की या कमीशन मतलब टोटली totally रिमूव कर दी उसने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया ओके सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन विच अकर्स बिकॉज द पर्सन कंसर्न हैज़ फेल टू एक्सरसाइज दैट अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल एंड केयर दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम देखो मैं क्लाइंट हूँ बेसिकली ठीक है और आप ऑडिटर हो अपने आप को मानो आप ऑडिटर हो मैं क्लाइंट हूँ जो भी हम दोनों में एग्रीमेंट हुआ था तो उसके बेसिस पे मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना आपसे कि आपकी जो प्रोफेशनल कंडक्ट है मतलब प्रोफेशनल स्किल है आप तो उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हो अगर इन केस आपने अपनी प्रोफेशनल स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो वहाँ पर मुझे आपसे जो भी मतलब बहुत ज़्यादा दुख होगा कि आपने अपनी प्रोफेशनल स्किल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं किया और आपने क्या किया नेगलिजेंस मतलब आपने वो अपनी निगलेक्ट कर दिया जो भी आपकी ड्यूटी थी आपने अच्छे से वो परफॉर्म ही नहीं कही तो फिर मेरे को तो आ, मतलब मैं तो आपको लाइबिलि लाइबिलिटी ठहराऊंगी ना आपको रिस्पॉन्सिबल मानूंगी इस काम को लेकर ठीक है तो यू शुड बी अकाउंट अकाउंटेबल फॉर दैट सो वो कहते हैं कि लाइबिलिटी फॉर नेग्लीजेंस मतलब यहाँ पर अगर वो निगलेक्ट नेग्लिजेंट है बिल्कुल ही मतलब वो केयर ही नहीं करता कि ऑनेस्ट भी नहीं अपनी ड्यूटी को लेकर और परफॉर्म नहीं करता तो वहाँ पर उसको लाइबल ठहराया जाएगा और दैट इज़ क्लाइंट ठहराएगा उसको जिस बेसिकली उसी ने तो अपॉइंट किया है ना उसको ओके सो आई होप यहाँ तक ये यह नेग्लिजेंस का मतलब क्लियर होगा सो नाउ डिस्कस विल डिस्कस द केस केस इसके अंडर क्या आता है ट्राई श्योर इंडिया लिमिटेड ट्राई श्योर ओके ट्राए श्योर इंडिया लिमिटेड वर्सेज ए आई फार्गूसन एंड कंपनी ए आई फार्गूसन एंड कंपनी दैट इज ऑफ नाइनटीन एटी सेवन नाइनटीन एटी सेवन का ये केस है सो so, इसके अंडर क्या हुआ था वो कहते हैं कि इट वॉज ऑब्जर्व्ड

अकाउंट्स कौन से होते हैं कंपनी के अभी तक हम ऑडिटिंग uh, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जो अकाउंट्स है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं दैट इज़ बैलेंस शीट एंड द पी एन एल ओके सबको दो अकाउंट्स दिमाग में रखने हैं तो वो कहते हैं कि जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो उन अकाउंट्स में शो किए गए हैं नहीं अगर नहीं करे गए तो उसने अपनी क्या किया परफॉर्म नहीं की अच्छे से ड्यूटी एंड बट ही इज नॉट सपोज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिटेक्टिव उसने ये तो देखना है कि ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं ये रिफ्लेक्ट हुए हैं किए गए हैं अकाउंट्स में है, नहीं लेकिन उसको एक डिटेक्टिव का फंक्शन नहीं परफॉर्म करना मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑडिटर जो है वो वॉश डॉग होना चाहिए ना कि ब्लड हाउंड उसको एक तरह से डिटेक्टिव नहीं बनना हर चीज़ को सस्पिशियस फैक्ट से नहीं देखना कि दाल में यहाँ पर कुछ काला है ठीक है तो उसको किसके ऊपर बिलीव करना है गाय दैट इज़ ट्राइड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी ट्राइड सर्वेंट मैंने आपको बताया था एक्चुअली वो ट्राई तो कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में पूरी ठीक है सो so, उसको क्या करना है बिलीव करना है जो भी ट्राइड सोवेंस ऑफ द कंपनी है उनके ऊपर क्या करना है उसको बिलीव करना है ट्रस्ट करना है सो so, इसीलिए उसको क्या करना है परफॉर्म नहीं करना फंक्शन ऑफ डिटेक्टिव उसको सिर्फ एनालाइज करना है उसको क्या करना है अच्छे से डीपली गो थ्रू करना है कि जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट किए गए हैं बैलेंस शीट और पीएनएल में या नहीं याद रखना डिटेक्टिव का फंक्शन उसको नहीं करना परफॉर्म ब्लड हाउंड नहीं बनना वॉश डॉग बनना उसको देखना है हर चीज को एनालाइज करना है ओके इन अदर वर्ड्स टू होल्ड एन ऑडिटर लाइब्रेल वो कहते हैं कि अगर अब आपको ऑडिटर को लाइब्रेल ठहराना मान लो अब आपको ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा दैट इज देर हैज़ बिन नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस ड्यूटी आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उससे नेग्लिजेंस हुई है उसने निग्लेक्ट करा है अपनी परफॉर्म करने में ड्यूटी और लॉस और डैमेज भी हुआ है उस नेग्लिजेंस जो उसने निग्लेक्ट करा है अपना वर्क उसकी वजह से लॉस और डैमेज भी हुआ और कंपनी को और द लॉस वॉज सफर्ड बाय द क्लाइंट टू होम ही और अ ड्यूटी मतलब क्या है नेग्लिजेंस हुई है उससे और उस नेग्लिजेंस से लॉस भी हुआ है और वो लॉस क्लाइंट को भी सफ़र करना पड़ गया जिसके लिए बेसिकली होम ही ऑर्डर ड्यूटी मतलब उसके टूअर्स उसकी ड्यूटी थी ना ही मस्ट भी अकाउंटेबल फॉर दैट ओके सो ये तीन चीज सिचुएशंस को आप प्रूव करके ये कर सकते हो कि यहाँ पर ऑडिटर को हम लाइबल ठहरा सकते हैं ओके आई होप ये क्लियर होगा बिल्कुल नेक्स्ट हम आ जाते हैं दैट इज़ लाइबिलिटी फॉर हिज मिस इसका मतलब क्या है मिस हेयर इंप्लाइज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन द केस एंड ऑडिटर हु कम्स विद द गिल्टी ऑन नेगलेक्ट ऑफ इज ड्यूटी और मिस फीजन सो एज टू कॉज द लॉस टू द कम्पनी यहाँ पर फटाफट आप दिमाग में रखो कि यहाँ पर मिस फीजेंस का मतलब उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट ही तोड़ दिया जो कंपनी का ट्रस्ट था उस ऑडिटर के ऊपर वो उसने क्या करा ट्रस्ट ही तोड़ दिया बिल्कुल सो so इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाता है उसकी लाइबिलिटी किसके लिए फॉर मिस फीजेंस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ठीक है तो सो एज टू कॉज द लॉस उससे क्या हुआ लॉस तो होगा ही कंपनी को तो इसकी प्रोसीडिंग्स क्या क्या हो सकती है या तो इंडिपेंडेंटली ऑडिटर को अकेले ही वो पकड़ेंगे प्रोसीज अ, प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट ही होंगी विद अदर ऑफिसर्स या तो बाकी अगर कोई और ऑफिसर उस उस uh, मतलब फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो ऑफिसर्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और ज्वाइंटली विद डेम इकट्ठे भी उन दोनों को हो सकता है ऑफिसर्स विद ऑडिटर सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 फोर्टी रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ऑडिटर और एनी अदर ऑफिसर यहाँ पर क्या है 340 सेक्शन डिफाइन किया गया है और यहाँ पर कंपनी के पास पावर है कि वो अपने डैमेज को रिकवर कर सकती है जो भी उसको लॉस हुआ है किससे ऑफिसर से या ऑडिटर से और यहाँ पर टाइम लिमिट दैट इज़ फाइव ईयर्स फॉर ब्रिंगिंग एन एक्शन कंपनी के पास यहाँ पर पाँच साल का वक्त है कि वो एक्शन ला सकती है उस टाइम पीरियड के बीच में किसके अगेंस्ट दैट इज़ ऑडिटर और कोई भी ऑफिसर उसके साथ उस केस में इन्वॉल्व है या नहीं ओके सो यहाँ पर केस डिस्कस किया गया है री लंडन वर्सेज जनरल बैंक इसमें क्या है री लंडन वर्सेज जनरल बैंक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक पर्सन जिसकी ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन को उसको क्या करना है कन्वे करना है किसी को बताना है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसने क्या किया अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी कैसे नहीं की सिंपली बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन एज इज़ कैलकुलेटेड टू इंड्यूस डेम और सम ऑफ देम टू आज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है देखो यहाँ पर अपने आप को रखो आपकी ड्यूटी थी कि मुझे आपको आ, मतलब आपने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आपने कर तो दी लेकिन आपने सिंपली बस वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी अगर इन फ्यूचर मुझे कोई आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं ठीक है आज आपसे पूछना है कुछ उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे और वो उन डिसीजन मेरे जो डिसीजन्स हैं उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू मेरे डिसीजन्स भी इंड्यूस इन्फ्लुंस होंगे तो अगर आपको मतलब आपने मुझे सिंपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ली ले, लेकिन यहाँ पर आपकी गलती थी आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके जो भी मुझे प्रॉब्लम्स थी जो भी फ्यूचर में मुझे फेस करनी थी उसको भी आपको क्या करना था निग्लेक्ट नहीं करना था उसको आपको देखना था वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहां पर क्या है कि ऑडिटर जो हु हुव शेयर होल्डर द मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यहां पर क्या है जो ऑडिटर बेसिकली अपॉइंट किसके लिए होता है शेयर होल्डर के लिए क्योंकि शेयर होल्डर जो है उसको कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करता है सो so दैट वहां पर जो भी सस्पिशियस फैक्ट्स है वहां पर ऑडिटर क्या करे उसको डिसक्लोज करे और एनालाइज करे इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन सो एट हिज रिस्क एंड ही कैन बी हेल्प जुडिश्री टू हैव फेल टू डिस्क्लोज हिज ड्यूटी यहाँ पर वो कहते हैं अगर ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी यहाँ पर गाइज शेयर होल्डर ऑडिटर का क्लाइंट है ठीक है तो यहाँ पर आप क्लाइंट उसको समझो तो शेयर होल्डर को अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी जो भी फाइनेंशियल पोजिशन्स जो भी डिस्क्लोज हुई थी तो उसने वो काम अपने रिस्क पे किया है ठीक है वो उसने रिस्की सिचुएशन में डाले अपने आप को और उसके लिए उसको जुडिशरी हेल्ड कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है उसके ऊपर केस हो सकता है सो so इसलिए सो so अगर मतलब अगर उसने डिस्चार्ज नहीं करी अपनी ड्यूटी अच्छे से तो उसको जुडिशरी भी हेल्प किया जा सकता है कोर्ट में केस हो सकता है उसके ऊपर सो so बेसिकली यहाँ पर शेयर होल्डर के पास पूरा राइट है अगर उसने ऑडिटर ने मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करी मीन्स ऑफ information basically बेसिकली मतलब क्या है अगर आपको मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी तो उसके बेसिस पे अब टीचर है ठीक है यहाँ पर माइंड में रखो टीचर है उसको समझाना है आपको ठीक है अगर मैं भी आपको समझा रही हूँ तो इन फ्यूचर मैं आपकी प्रॉब्लम्स ही ना लूँ उसके बाद तो मेरा क्या फ़ायदा उस चीज़ को समझाने का भी सो so, बेसिकली यहाँ पर क्या है डबल साइडेड दोनों साइड से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जो भी इन फ्यूचर आपकी प्रॉब्लम्स है क्वेरीज है मैं उसको लूँ सो बेसिकली सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं परफॉर्म करते हो आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा सो सिविल लाइबिलिटी यहाँ पर ओवर होती है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाली लाइबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं सो स्टे ट्यून गाइड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यूजफुल लगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. टेक केयर ब बाय कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग